और दोस्तों फ़ोनपे में ऑटो पे कैसे बंद करते हैं अपन उसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप भी किसी भी चीज़ का पेमेंट ऑटो पे हो जाता है, जैसे कि महीना आता है महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख या फिर किसी तारीख को भी कोई भी SIP ऑटो पे हो जाती है, तो यहाँ पर हम सिंपली उस चीज़ को कैसे बंद करते हैं यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आप ऑटो पे का जो ऑप्शन है उसको ऑटोमेटिक डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। फ़ोनपे को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी फ़ोनपे के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होम लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ और यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑप्शन है, हिस्ट्री का है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऑटो पे करना है तो मैं आपको सिंपली स्टेप्स को बताता हूँ कि उसको हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर जो क्वेश्चन मार्क है उस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर सर्च का ऑप्शन है उस पर हमें सर्च करना है ऑटो पे। तो यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पर टैप करके और यहाँ पर सर्च कर देना है ऑटो पे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऑटो पे से जितने ऑटो पे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट पेमेंट मॉडल आई कैन सेटअप ऑटो पे। तो यहाँ पर हमको कैंसिल वाला ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर हम देखिए जो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंसिल वाला, ये उसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है हाउ डू आई कैंसिल द ऑटो पे द SIP आई हैव सेटअप ऑन फोन पे। तो यहाँ पर हम कैसे या फिर किसी भी चीज़ का देखिए आप LIC का इंश्योरेंस है उसको भी यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का भी ऑटो पे इनेबल किए हुए हैं उसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर SIP का ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम SIP को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन को जो है ऑटो पे SIP का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको टैप कर देता हूँ और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए हाउ कैन आई कैंसिल द ऑटो पे पेमेंट द, तो इस पर टैप कर देंगे। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि आखिर उसको हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन डिलीट द एग्जिस्टिंग SIPs। आप या तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग SIP अभी आपकी चल रही है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर यू कैन कैंसिल द NACH मैंडेट दैट इनेबल ऑटो पे पेमेंट फ्रॉम यूअर बैंक फॉर SIP यू आर सेटअप यूअर SIP यूजिंग नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो आप अपने बैंक का जो नेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड है उससे भी ऑटो पे आप बंद कर सकते हैं, या फिर उसको आप डेबिट कार्ड को चेंज करके भी ऑटो पे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर NACH का मतलब ही होता है कि यहाँ पर एक जो पेमेंट मेथड होता है जो कि ऑनलाइन ऑटो पे होता है। और यहाँ से अगर आप देखिए यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूबर NACH कैंसिलेशन प्लीज़ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यूअर बैंक। तो यहाँ से आप सीधा आपको बैंक को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट यूअर बैंक पर टैप कर देना है। इस पर टैप करेंगे तो जितनी भी बैंक वगैरह हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो कैनरा बैंक है आपका बैंक है, तो यहाँ पर इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद ये देखिए जो उसका कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। इस पर कॉल करके आप आसानी से ऑटो पे को कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप कोई भी बैंक का जो ऑटो पे है वो यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर उसका जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो ऑटो पे का ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है और आप ऑटो पे किसी भी चीज़ का बंद कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने SIP का एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का ऑटो पे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको ऑटो पे बंद करना है LIC का, तो यहाँ पर LIC का जो ऑटो पे है वो भी आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं इसी प्रोसेस को फॉलो अप करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।